LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन तब भी हमारा देश आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती हुई जनसंख्या की बीमारी से जूझ रहा है। हमारे देश की शिक्षा नीति हमें डिग्रियां तो दिलवा देती है, लेकिन हमें बेरोजगार ही छोड़ देती है। हमें इन नीतियों को बदलना ही होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी जो हमें आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे हम आत्मविश्वास कर सके अपने ऊपर, ना कि हम सभी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए कुकरमुत्तों की तरह खोले हुए कोचिंग सेंटरों में दाखिला लें। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी प्रांतीय भाषा एवं हिंदी में ही होनी चाहिए, ताकि वह आसानी से जल्दी से ज्ञान को प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी कहा था कि कुकरमुत्तों की तरह खुले हुए कोचिंग सेंटर के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों पर मानसिक दबाव डालते हैं और यह ना कि यह बच्चों को बुद्धिमान बनाते हैं। मित्रों, हमें देश को बदलने के लिए राजनीति में आना ही होगा, देश प्रेम लाना ही होगा, व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी ही होगी एवं प्रारंभिक शिक्षा को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त करना होगा। जय हिंद, जय भारत।